हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नव भारती फैमिली। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। बेसिकली केमिस्ट्री का हम लोग 11th जो क्लास है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो है बेसिकली चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे हम? बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या क्या इन्होंने पोस्टुलेट दिए बोहर ने, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो बोहर है इन्होंने रदरफोर्ड, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट्स थे या मैं कहूँ जो उनकी बाद में लिमिटेशंस आई, उनको भी कवर अप किसने किया था? बोहर ने। बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इन्होंने पोस्टुलेट दिए, वन बाय वन हम इन सब चीजों को समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्या था मॉडल? फर्स्ट जो इन्होंने बात कही वो कही थी कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है बेसिकली उसके पास एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी। तो इन्होंने जस्ट बोहर जो थे उन्होंने सहमति बनाई थी रदरफोर्ड के साथ। तो ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी कि जो एटम होता है उसके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो देखिए पहली पोस्टुलेट हमारी क्लियर हो चुकी है। अब जो दूसरी बात इन्होंने कही थी बोहर ने वो क्या कही थी, इस दूसरे पॉइंट पर ही जो है बोहर का और रदरफोर्ड का विरोधाभास हुआ था, या मैं बोलूं कंट्रोवर्सी हुई थी। कैसे? कि रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जैसे सपोज करिए ये न्यूक्लियस है अगर, तो इसके चारों ओर कहीं पर भी, चारों ओर कहीं पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर सकते हैं, अराउंड घूम सकते हैं न्यूक्लियस के। उन्होंने कुछ भी फिक्स नहीं बताया था रदरफोर्ड ने, जस्ट यही कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, लगाते हैं, और कुछ भी उन्होंने और बात नहीं बोली थी, ठीक है। जबकि बोहर ने क्या इसको मतलब आगे क्या इसको मॉडिफाई किया, क्या कहा देखते हैं। देखिए बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर, ध्यान रखना ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। बोहर ने क्या एड ऑन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। इनका कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेगा लेकिन उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। साथ ही साथ वो ऐसा नहीं है कि हर कहीं पर जो है रिवॉल्व करेगा, उसकी एक जगह होगी, उसका एक प्लेस होगा। सपोज करिए प्लेस ये है, ठीक है, तो बस ये यहाँ पर ही जो है राउंड कर पाएगा। या मैं बोलूं उसके अंदर भी एक चीज बना देती हूँ मैं, यानी ये तीन चीज बना देती हूँ मैं, पहली शेल, शेल बोलते हैं इनको, पहली शेल, दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रिवॉल्व कर सकता है या यहाँ रिवॉल्व कर सकता है या फिर ये इधर रिवॉल्व कर सकता है। तो इन्होंने लिमिटेशन बनाई थी, इन्होंने कहा था कि फिक्स्ड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, कुछ फिक्स्ड हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनके बारे में हम थर्ड भी पढ़ेंगे, थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ेंगे कि इन्होंने कहा था जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स है ना उसी में ही जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे हर कहीं रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना, जगह फिक्स है। सपोज करिए मैं आपको एक तो क्लास में बिठाऊं, मैं आपको क्लास में कह दूं कि ठीक है मैंने दरी बिछा दी है आप कहीं पर भी बैठ जाइए, ठीक है, और एक मैं आपको बोलूं नहीं जहां पर आपकी सीट एलोकेट है आपको वहीं बैठना है, अंतर हुआ? रदरफोर्ड ने तो कहा था कि भाई दरी बिछी हुई है कहीं पर भी बैठ जाइए, पर बोहर ने क्या बोला कि नहीं जहां पर सीट आपकी फिक्स है आपको वहीं बैठना है। तो यही दो अंतर था इन दोनों के पोस्टुलेट्स में। क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बोहर है इन्होंने बताया कि नहीं सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, कुछ ऑर्बिट्स होंगे जो कि फिक्स्ड होंगे वहीं पर ही जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, जबकि उनकी एनर्जी कैसी होगी, एकदम फिक्स्ड, उस पूरे शेल की एनर्जी कितनी होगी, फिक्स, और वेलोसिटी भी क्या होगी, क्या होगी, फिक्स। तो आई होप आपको सेकंड पोस्टुलेट जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए आपको सेकंड समझ में आया अच्छी तरीके से, थर्ड देखिए
क्वांटाइजेशन कंडीशन। अभी क्या कंडीशन है, जो बात बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बोली वो यहां पर इन्होंने क्लियर कर दी। क्या बोला इन्होंने, क्या क्वांटाइजेशन कंडीशन दी, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल, सिंबल एल है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। सिंपल से लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहे हैं कि बोहर ने लिमिट कर दिया, बोहर ने साफ बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व तो करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट होगा जो कि जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल क्या होगा, इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई। दोबारा समझाती हूँ, इन्होंने मैंने आपको बताया था ना कि बोहर ने सीट फिक्स कर दी थी, सीट फिक्स कर दी थी कि यहीं पर ही जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने बता दिया था। तो वो सीट कौन सी फिक्स है, मतलब 10 नंबर पे बैठ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या 30 नंबर पे बैठ रहे हैं, या 50 नंबर पे बैठ रहे हैं, ये सीट जो है वो कैसे फिक्स हुई, वो फिक्स का जो मान जो है वो वैल्यू है वो ये है एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एन क्या है, कोई भी शेल का नंबर हो सकता है, 1, 2, 3 कैसे भी, ठीक है। तो एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, क्या है एच यहाँ पर, प्लैंक कॉन्स्टेंट, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिसका कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किस क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, यानी एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आइए, तीनों पोस्टुलेट समझ में आया आपको। दूसरा फर्दर मैं आपको बताऊं कि शेल्स होती हैं, है ना, शेल्स होती हैं, जैसे कि मान लो एन है, ठीक है, शेल्स किस तरीके से होती हैं, के एल एम और एन, आपने ये शेल्स पढ़ी होंगी 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है शेल्स के नाम पे। ये शेल ही क्या होती है, बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट होती है, क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होती है। जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हुआ के शेल, ये हुआ एल शेल, ये हुआ एम शेल, और ये हुआ आपका एन शेल, के एल एम एन, ठीक है। तो इन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इन शेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी भी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी और उतनी ही होगी। तो आई होप आपको ये यहां तक समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो देखिए, हमने थर्ड पोस्टुलेट पढ़ लिया है जिसमें बोहर ने साफ कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हमने एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, यहाँ पर जो ये एन है बेसिकली वो क्या है, वो है शेल नंबर। यहाँ पर जो एल है वो क्या है, शेल नंबर। और मैंने आपको बताया था शेल के क्या नेम थे, के एल एम और एन, यानी एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, बाकी मैंने आपसे क्या बात करी थी, एंगुलर मोमेंटम की, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का एक टर्म यूज हुआ है थर्ड पोस्टुलेट में, तो हमें जानना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास है m, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है v, उसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो है r, ठीक है, और वो रिवॉल्व कर रहा है राउंड राउंड, ठीक है। तो ऐसे में जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेसिकली वो कितना आता है निकल के, mvr, कितना आता है mvr, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और v इज द वेलोसिटी एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, तो l इज इक्वल टू एम वी आर, आपको डायरेक्ट ये ध्यान में रखना है। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम का मोमेंट, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस विद द वेलोसिटी ऑफ v एंड हैविंग मास m, सो l इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और आपको पता है कि जो एक l की वैल्यू मैंने यहाँ भी निकाल रखी है, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं,
MVR is equal to NH upon 2 pi. तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे आप फॉर्मूला नंबर 1 कर लो. ठीक है, क्या कर लो, फॉर्मूला नंबर 1 कर लो. ठीक है, MVR is equal to NH upon 2 pi, है ना. अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ. फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, क्या कह रहा है, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. के जब भी रिवॉल्विंग होती है, जब भी क्या होती है, यहाँ कोमा लगा है ध्यान रखना, जब भी रिवॉल्विंग होती है या रिवॉल्विंग के दौरान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी वी है इसकी, ठीक है, तो आप देखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इनके बीच का तो रेडियस है बेसिकली, इनके बीच का जो फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स. हम इस बात से क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कंडीशन में और सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो गए इक्वल हो गए. ठीक है, अब हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि मुझे बताओ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या फॉर्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, MV² / R. ठीक है, और अगर Fe की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, तो क्या वैल्यू आती है, Q1 Q2 / 4πε₀ R² तो ये दो वैल्यू होती है, एक तो Fc की यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. तो चलिए अब हम रखते हैं इनको इक्वल. सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि Fe और Fc, मैंने आपको बता दिया है, जब उनका रिवॉल्व हो रहा होता है, जब क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है ना, तो इनके बीच जो रेडियस है वो R है ना, और साथ में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम निकालते हैं इसके टर्म में, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है इसके टर्म में निकालते हैं. यहाँ पर जो चार्ज है, देखो एक चार्ज Q1 होता है, एक चार्ज Q2 होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, वही आपको दिख रहा है. यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 ये Q2, ये आपका चार्ज है Q1, ये आपका चार्ज है Q2. Q1 कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज. अब Q2 कौन सा है, न्यूक्लियस का चार्ज. अब आप देखिए न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है बेसिकली वो किस पे कौन कंट्रीब्यूट करता है, वो चार्ज प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है. और आपको पता है ना कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई होता है प्रोटॉन पर चार्ज, ठीक है. अब आप मुझे बताइए न्यूक्लियस में प्रोटॉन का चार्ज तो ठीक है हमें पता चल गया, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन है कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जितना उस पर्टिकुलर एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर, जितना क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर को हम किससे दिखाते हैं, जेड से. हम मान लेते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर जो एटम्स हैं, उसका जो एटम है बेसिकली वो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है. मैंने इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, जेड है, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना उसका प्रोटॉन. तो देखो जेड मैंने मान लिया प्रोटॉन के नंबर. अब एक प्रोटॉन पे जब प्लस ई चार्ज है तो जेड पर कितना होगा, प्लस जेड ई. यहाँ पर जेड मैं हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड ई पूरा न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा. और इसको हम कह सकते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज. कोई पूछे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्लस जेड ई या जेड ई भी आप इसको बोल सकते हो. तो चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर एफ ई इज इक्वल टू एफ सी पे. एफ ई की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 / 4πε₀ R² इज इक्वल टू एफ सी की वैल्यू कितनी है, MV² / R. ठीक है, अब Q1 Q2 की जगह हम वैल्यू रख दें. यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है माइनस ई, Q2 यानी जो न्यूक्लियस का चार्ज है जो कि क्या है, जेड ई. ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं क्या आएगा, EZE/4πε₀ R² इज इक्वल टू MV² / R.
यहाँ पर हम ई जेड ई को क्या लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक आर से एक आर कट जाएगा, काटो तो काट सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बस जस्ट ऐसे ही रहने दो आप इसको, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर स्क्वायर, इस पूरे जो ये आपका एक्सप्रेशन आया है इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो आई होप आपको ये पूरा जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की ओर। देखिए जो फिफ्थ इसका पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नेदर गेन एनर्जी नोर लॉसेस एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना तो वो एनर्जी गेन कर सकता है ना ही वो लॉस कर सकता है एनर्जी को, यानी कि जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट की या शेल की वो कितनी होगी, फिक्स्ड होगी, वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। यानी हमने उस जो शेल है, शेल यानी नेम एज n is equal to 1 पे k, n is equal to 2 पे l, n is equal to 3 पे m, and n is equal to 4 पे n, sorry n, ठीक है, k l m n, ये शेल्स हैं। इन शेल्स को इसने क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, जिनके जो शेल है बेसिकली उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्टेशनरी है, वो एकदम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे, वो बिल्कुल फिक्स होंगे, ठीक है। तो इसने ये बात बताई कि जब भी ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, बट इसमें आगे चलकर बिल्कुल कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आगे चलकर आपको सिक्स्थ पोस्टुलेट पे ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एनर्जी गेन भी कर सकता है, वो एनर्जी लॉस भी कर सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो आपको खुद लगेगा कि जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है वो कहीं ना कहीं जो है उसका गलत हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। सिक्स पोस्टुलेट में हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है एनर्जी को, गेन भी कर सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करेगा एनर्जी ना लॉस करेगा, उसके शेल की एनर्जी एकदम फिक्स्ड होगी, और सारी कुछ हम इसके बाद क्या करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उसकी रेडियस के बारे में जानेंगे, उसकी वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, उसके मास के बारे में जानेंगे, और इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी उसका सिक्स्थ पोस्टुलेट, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकता है एनर्जी को, गेन कर सकता है एनर्जी को, बस कुछ चेंजेस उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।